गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट थर्ड चल रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या कारक धात्विक यौगिक। इस यूनिट में हमने कल की क्लास में पढ़ा था होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, यानी समांगी हाइड्रोजनीकरण था, जो कि विल्किंसन उत्प्रेरक की सहायता से किया था, यानी एल्किन का एल्केन में जो समांगी हाइड्रोजनीकरण था विल्किंसन उत्प्रेरक की सहायता से, वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेटल कार्बोनेट। ठीक है, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट में क्या है वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहली लाइन मेटल कार्बोनेट में आती है कि ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स में सबसे पहले आएगा ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक होते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है कि धातु, ये मेटल कार्बोनेट है क्या, तो धातु प्लस में कार्बोनिल लिगेंड से मिलकर बनने वाले संकुल यौगिक मेटल कार्बोनिल कहलाते हैं। तो मेटल तथा कार्बोनिल लिगेंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहेगा आपके कार्बोनिल लिगेंड। इसके ना देखिए आप, ये रहेगा आपके कार्बोनिल लिगेंड, इसको इस प्रकार से भी शो कर देते हैं। तो कार्बोनिल लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो कार्बोनिल लिगेंड के नाम से जाना जाएगा। तो कोई भी धातु यानी कि धातु प्लस में कार्बोनिल लिगेंड से मिलके बनने वाले संकुल यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, धातु कार्बोनिल कहलाएंगे। यानी कि धातु है और ये कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, कितनी भी संख्या हो सकती है इनकी, इन दोनों के आपस में क्रिया करने से ये जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा। और ये कंपाउंड से क्या कहलाते हैं, मेटल कार्बोनिल कहलाएंगे। सबसे पहले लाइन लिखी जाएगी ये एक प्रकार के संकुल यौगिक होते हैं। सेकंड लाइन लिखी जाएगी कि धातु व कार्बोनिल लिगेंड से मिलके बनने वाले संकुल यौगिक हैं वो मेटल कार्बोनिल कहलाएंगे। अब कार्बोनिल लिगेंड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। तो धातु, ये रिएक्शन रहेगी कि धातु और कार्बोनिल लिगेंड से मिलकर बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही मेटल कार्बोनिल कहलाएंगे। इसमें ये रहेगा लिगेंड के रूप में कार्बोनिल और ये रहेगी केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, उसके बाद में इनकी एक विशेषता और आती है मेटल कार्बोनिल की, जो मेटल कार्बोनिल जितने हैं उनमें धातु अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, और मोस्टली ये ऊर्जा अवस्था क्या होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। तो जितने भी धातु कार्बोनिल्स हैं उनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कंपाउंड्स में धातुओं की जीरो ही मिलेगी। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि मेटल कार्बोनिल्स में धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होती है। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स में धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, जीरो या शून्य होती है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, धातु व कार्बोनिल लिगेंड से मिलकर बनने वाले संकुल यौगिक मेटल कार्बोनिल्स कहलाएंगे। अब कार्बोनिल लिगेंड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं, ये इस प्रकार से जुड़ के ये मेटल कार्बोनिल बनाएंगे। और मेटल कार्बोनिल्स की एक विशेषता होती है कि मेटल कार्बोनिल्स में जो मेटल रहेगी वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स में केंद्रीय धातु परमाणु है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये रहेगा इसमें मेटल कार्बोनिल्स का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हम मेटल कार्बोनिल्स का क्लासिफिकेशन। मेटल कार्बोनिल्स है उसका क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपनी हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन।
हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखिए आप किसके बेस पे क्या करो, क्लासिफिकेशन का बेस या आधार क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल, यानी कि अपना जो धातु कार्बोनिल है उसमें उपस्थित धातु परमाणु मेटल एटम या फिर यहाँ पे हम आयंस भी बोल सकते हैं। तो एक धातु कार्बोनिल में उपस्थित धातु परमाणु या आयंस की संख्या है वो रहेगा इसके क्लासिफिकेशन का बेस। तो इसमें लिखा जाता है ये कि धातु कार्बोनिल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयनों की संख्या के आधार पर मेटल कार्बोनिल को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये लाइन लिखी जाएगी इसमें। और क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहेगा, नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल। तो इसमें लिखा जाएगा क्लासिफिकेशन में कि धातु कार्बोनिलों को उनमें उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की संख्या के आधार पर चार प्रकार में विभाजित किया गया है या चार भागों में विभाजित किया गया है। तो किसके आधार पर विभाजित किया हमने, मेटल कार्बोनिल्स में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन की संख्या के आधार पर मेटल कार्बोनिल्स को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इन चारों के नाम लिखेंगे। फर्स्ट टाइप रहेगा इसको मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, सेकेंड राइट टाइप रहेगा इसका डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। थर्ड टाइप रहेगा इसका ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। और फोर्थ टाइप रहेगा इसका पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो धातु कार्बोनिल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयंस की संख्या के आधार पर मेटल कार्बोनिल को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये चार पार्ट्स रहेगा कि मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल या द्विनाभिकीय धातु कार्बोनिल, ट्राई न्यूक्लियर को बोलेंगे त्रिनाभिकीय धातु कार्बोनिल, इसको बोलेंगे बहुनाभिकीय मेटल कार्बोनिल। तो जैसा इसके नाम है ना, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और पॉली का मतलब चार या चार से अधिक। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर का मतलब नाभिक में कौन होता है, जब मेटल कार्बोनिल की संरचना बनाते हैं तो मेटल के चारों तरफ कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए रहेंगे। तो परमाणु उगे वाले परमाणु में नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु में जो सेंटर में होता है ना उसको बोलते हैं नाभिक। तो जो मेटल कार्बोनिल्स में जो सेंटर में होगा वही उसका क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। तो मेटल कार्बोनिल्स में सेंटर में क्या होता है, केंद्र में धातु परमाणु होता है। तो न्यूक्लियर किसके लिए बोला गया, धातु के लिए। तो धातु की संख्या एक, मोनो न्यूक्लियर धातु की संख्या एक, इसके अंदर धातु की संख्या दो, इसमें धातुओं की संख्या तीन और इसके अंदर चार या चार से अधिक रहेगी। ये चार प्रकार से हैं जिसके अंदर मेटल कार्बोनिल्स को डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे और चारों में जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। लिखिए एक बार इतना, फर्स्ट रहेगा आपका मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। हिंदी में बोला जाएगा इसको एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल, हिंदी में इसका नाम रहेगा एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल।
ठीक है। तो इसके जैसा कि इसके नाम में है उसी से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। न्यूक्लियर का मतलब धातु परमाणु, न्यूक्लियर का मतलब हो जाएगा मेटल, और मोनो का मतलब हो जाएगा वन यानी एक। तो वे धातु कार्बोनिल जिनके अंदर केवल एक धातु परमाणु उपस्थित हो उनको हम क्या बोलेंगे, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, या हिंदी में कहा जाएगा एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल कहते हैं। तो वे धातु कार्बोनिल जिनमें केवल एक धातु परमाणु या एक धातु आयन ही उपस्थित हो उन्हें मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल देखा आप, एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा जैसे ये हो गया NiCO4, ठीक है। तो NiCO4 में केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है निकल, ठीक है। तो ये रहेगा मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल। अब इसके अंदर संकरण और इसकी ज्यामिति किस प्रकार से है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स करेंगे ना, फुल स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स की, वहां पढ़ेंगे NiCO4 के अंदर इसकी नाम क्या है, इसकी संरचना क्या रहेगी और इसमें संकरण क्या रहेगा। सेकंड एग्जाम्पल देखें इसका, सेकंड एग्जाम्पल रहेगा FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनिल, वैसे इसका नाम हो जाएगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। नोमेनक्लेचर तो हमने जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स पढ़े थे ना शुरुआत में फर्स्ट क्लास में उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था वहीं पे पढ़ दिया था। इनके नाम भी किस प्रकार से लिखेंगे, पहले धातु का नाम लिखा जाएगा, मेटल कार्बोनिल के अंदर होता है ये कि पहले धातु का नाम और उसके बाद में चारों लिगेंड है कार्बोनिल के जितने भी लिगेंड है उनका नाम लिख देंगे। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, इसका नाम क्या रहेगा निकल, पहले धातु का नाम उसके बाद में लिगेंड कार्बोनिल का नाम लिखे, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल। सिर्फ कार्बोनिल के नाम ही ऐसे लिखे जाते हैं जिनमें धातु का नाम पहले और लिगेंड का नाम बाद में आता है, वरना तो इनके नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम और फिर धातु का नाम आता है। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, धातु क्या है इसके अंदर आयरन, इसमें लिखा जाएगा आयरन, वो कितने कार्बोनिल है पांच, पांच के लिए लिखेंगे हम पेंटा, तो आयरन पेंटा कार्बोनिल, ये रहेगा इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। उसके अंदर एग्जाम्पल और लिख लो CrCO6, इसके अंदर भी एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें भी एक ही आयरन और इसमें भी एक ही क्रोमियम, तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल होंगे, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के एग्जाम्पल होंगे। इसका नाम लिखा जाएगा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, इसका नाम हो जाएगा आपके क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। ये रहेगा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। इन तीनों ही एग्जाम्पल में केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या एक एक है, इस कारण से इनको मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहेंगे। तो वे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित होता है उन्हें हम मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते हैं। उसके बाद आप देखें सेकंड, इसके अंदर डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, सेकंड देखें सेकंड आएगा डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। इसमें न्यूक्लियर का मतलब रहेगा मेटल और डाई का मतलब रहेगा दो। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि वे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें दो केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स या द्विनाभिकीय धातु कार्बोनिल्स कहा जाता है। तो इसमें देखें आप, वे मेटल कार्बोनिल्स जिनके अंदर दो केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में देखें आप, एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एग्जाम्पल इसमें आता है MN2CO10,
सेकेंड एग्जाम्पल लेके आप Fe2CO9। तो ये दोनों मेटल कार्बोनिल्स हैं, इन दोनों मेटल कार्बोनिल्स में केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या कितनी है, दो है। इसमें भी दो मैग्नीज है, मैग्नीज इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें आयरन केंद्रीय धातु परमाणु, तो इनकी संख्या भी कितनी है, दो है। तो वे मेटल कार्बोनिल्स जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणुओं की संख्या दो होती है उन्हें डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहा जाएगा, और ये रहेंगे इसके एग्जाम्पल। आगे समझ में, ये दोनों इसके क्या रहेंगे, डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के एग्जाम्पल बनाए इसको। तो वे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें दो केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। डाई न्यूक्लियर को, डाई न्यूक्लियर के बाद में अपना थर्ड रहेगा ट्राई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। इसलिए वो ये थर्ड रहेगा अपना ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। अब न्यूक्लियर का अर्थ सेम मेटल धातु रहेगा और ट्राई का मतलब होगा तीन। तो वे मेटल कार्बोनिल जिनमें तीन केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहा जाता है। वे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें तीन मेटल या तीन केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स या त्रिनाभिकीय धातु कार्बोनिल कहा जाता है। एग्जाम्पल रहेंगे इसके Fe3CO12 और सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा आपके OS3 ओस्मियम CO12। इसके अंदर भी केंद्रीय धातु परमाणुओं की संख्या तीन है, तीन आयरन है, और इसके अंदर भी केंद्रीय धातु परमाणु तीन है, यानी तीन क्या है, ओस्मियम के परमाणु है। तो दोनों ही किसके एग्जाम्पल रहेंगे, ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के एग्जाम्पल रहेंगे। तो वे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें तीन केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहेंगे, और ये दोनों रहेंगे इसके एग्जाम्पल। लिखे इसको, नेक्स्ट रहेगा इसका फोर्थ टाइप पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, फोर्थ टाइप रहेगा आपका पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो पॉली का मतलब क्या होगा, पॉली का मतलब होता है या तो चार हो या चार से अधिक हो। क्या हो, चाहे चार से अधिक न्यूक्लियर यानी केंद्रीय धातु परमाणु। तो वे मेटल कार्बोनिल जिनमें चार या चार से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स या बहुनाभिकीय धातु कार्बोनिल कहते हैं। वे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें चार या चार से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित हों उन्हें पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल या बहुनाभिकीय धातु कार्बोनिल्स कहा जाता है। उसके बाद देखें आप इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में रहेगा आपके CO4CO12। ये सी ऑक्सीजन छोटा है ना, तो ये रहेगा आपका कोबाल्ट धातु है, ये मेटल है,
और ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है कार्बोनिल एन। तो इसमें कार्बन बड़ा ऑक्सीजन छोटा, इसके कार्बन ऑक्सीजन की साइज और सेम रखनी है, साइज सेम है तब ये होगा कार्बोनिल और ये वाला कहलाएगा कोबाल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें रोडियम 6CO6 तो इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी संख्या है 4 और इस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु है उनकी संख्या है 6। तो वे सभी धातु कार्बोनिल्स जिनमें केंद्रीय धातु परमाणुओं की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है उन्हें पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहेंगे। तो ये दोनों पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के एग्जाम्पल रहेंगे। ये रहेंगे आपके मेटल कार्बोनिल 7 के 4 टाइप, मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर और पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आती हैं दो रूल हैं, एक तो है इसमें EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल और एक है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये दोनों रूल हैं वो मेटल कार्बोनिल्स के ऊपर किस प्रकार से अप्लाई होते हैं ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ये रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम और ये रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन का नियम। ये दोनों नियम, सबसे पहले ये नियम क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में मेटल कार्बोनिल्स हैं उनके ऊपर ये रूल किस प्रकार से अप्लाई होते हैं ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।